दुनिया भर में जितना उपयोग ड्राई फ्रूट्स का नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा उपयोग तंबाकू से बने उत्पादों का होता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सिगरेट। दुनिया भर में आज धूम्रपान का उपयोग इस कदर बढ़ रहा है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सिगरेट पीने की दर 4.3% के हिसाब से बढ़ रही है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारा आने वाला भविष्य अंधकार में है, क्योंकि इसे पीने से आयु पर इसका गहरा असर पड़ता है और व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखाई पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भी दी है कि अगर सिगरेट का उपयोग कम नहीं किया गया तो अगले आने वाले सालों में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से दम तोड़ देंगे। सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, यह जानने के बाद भी लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। इसका कारण तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है, और निकोटीन जैसे ही शरीर में कम होने लगता है तो निकोटीन नामक नशा ही सिगरेट को पीने के लिए मजबूर कर देता है, और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है, जिससे आपको तो नुकसान होता ही है और आपके आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाती है। सिगरेट न सिर्फ आपके फेफड़ों पर असर करती है बल्कि यह आपके पूरे शरीर को पीड़ित कर देती है। आपके हालात दिन प्रतिदिन खराब होते चले जाते हैं। सिगरेट और कैंसर के संबंध का पता 1930 के दशक तक पता नहीं चला। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने इस विषय पर शोध किया और यह बताया कि यह कैंसर का प्रमुख कारण है। लेकिन 1880 से 1930 के बीच सिगरेट का प्रचार प्रसार इस तरह बढ़ चुका था कि जिसे चाहकर भी नहीं रोका जा सका, और इसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। सिगरेट न सिर्फ पीने वालों को संक्रमित करती है बल्कि सिगरेट पीते समय साथ खड़े रहने वालों को भी। सिगरेट ने कई लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी। आज ये दौर आ गया है कि 16, 17, 18 वर्ष के बच्चे भी सिगरेट पीने लगे हैं। जिस तरह यह सिगरेट ने हम पर असर डाला है, उसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ी भी भोगेगी। अगर आपने सिगरेट नहीं छोड़ी तो आप तैयार रहे कि आपके बच्चे भी आपके सामने सिगरेट पीने लगेंगे, और ये हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा दाग होगा। बहुत सी कंपनियों ने सिगरेट छुड़ाने के उत्पाद तैयार किए हैं, और वे कंपनियां यहां तक दावा करती है कि इसके उपयोग से 100% तक आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। लेकिन यह बात कुछ ही हद तक सही है, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी तब तक इसे छोड़ पाना असंभव है। भले ही आप सिगरेट छुड़वाने वाले कोई भी उत्पाद का प्रयोग कर ले, अगर आपको सिगरेट छोड़नी ही है तो आप शपथ लीजिए कि हम आज से सिगरेट नहीं पिएंगे और हम इसे भूल कर भी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आपको सिगरेट छोड़ना ही है तो एक ही दिन में छोड़िए, क्योंकि धीरे धीरे छोड़ना या सिगरेट पीने की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करना इसका समाधान नहीं है। सिगरेट छोड़ते ही आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे सिर दुखना, चक्कर आना, सांस फूलना, पसीना आना, गुस्सा आना इत्यादि। लेकिन आप डरे नहीं, आप इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को दें एवं अपने शरीर का उचित इलाज करवाएं। मानते हैं कि यह करना आसान नहीं, लेकिन यह मौत से पहले होने वाली पीड़ा से काफ़ी आसान है। तो शपथ लीजिए और एक ही बार में सिगरेट छोड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।